कांग्रेस ने भी यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे पेच के बीच कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियां शुरू की हैं। एआईसीसी ने 80 लोकसभा सीटों के प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर बात न मानने पर कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं और इसी को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में एसपी के सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल होंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करके आगे की चुनावी रणनीति बनाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा यूपी में एंटर होती है तो उससे पहले सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, यानी कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी का पावर पॉलिटिक्स सामने आ चुका है। ऐसे में सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, आपको ये रिपोर्ट दिखा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मथापच्ची चल रही है। चार दौर की बैठक के बाद भी गठबंधन साथी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और इसी उठापटक के बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है, वो भी तब जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यात्रा करने वाले हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, राहुल की यात्रा से पहले सीट बंटवारा हो जाए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। मोदी बनाम विपक्ष की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के पास ना तो नेता है, ना नीति, ना पीएम फेस है, ना ही संयोजक, और इसी उलझन में अब तनाव क्षेत्रीय पार्टियों के बीच शुरू हो चुका है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर यूपी से बिहार तक अपनों में दरार है। उत्तर प्रदेश में एसपी वर्सेस कांग्रेस है, बिहार में जेडीयू आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम कांग्रेस है, दिल्ली में कांग्रेस वर्सेस आप है, पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आप में दरार है। यानी ऐसा कोई राज्य नहीं जहां सीटों पर टकराव नहीं, क्योंकि इस बीच अखिलेश का बयान कांग्रेस को संदेश देने के लिए काफी है। इससे पहले दीपावली के लगभग उन्होंने एक बार टिकट बंटवारे की बात कही थी, लेकिन अभी कुछ और समय लेने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि बातचीत के बाद ही यह बात तय हो पाएगी आखिर कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का गणित अभी अभी मध्य प्रदेश में फेल हो चुका है, जहां अखिलेश यादव सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ 70 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश का अल्टीमेटम कांग्रेस के लिए पावर पॉलिटिक्स के काम नहीं। नई सूची हम लोग जारी कर सकते हैं और निश्चित रूप से अब समय नहीं है, तो बहुत से ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं जो खरवास का महीना चल रहा है, खरवास का समय चल रहा है, जिसको हम लोग थोड़ा सा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग बुरा समय मानते हैं, तो निश्चित रूप से 15 जनवरी के बाद से अच्छा दिन जब शुरू होगा तो समाजवादियों के लिए भी और देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक अच्छा सूर्योदय होगा। कुंभ की सारी व्यवस्था आजम खान के जिम्मे छोड़ दिए थे, वही अखिलेश यादव आज सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे हैं, अब इससे अच्छे दिन और क्या आ सकते हैं। तो क्या फिर से इंडिया गठबंधन में टूट की वजह सीट शेयरिंग होने वाली है, या फिर मनभेद के बीच भी सीट शेयरिंग संभव है, क्योंकि दावे तो एकजुटता के हो रहे हैं लेकिन अब तक उस फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका जिससे विपक्षी दल बीजेपी से मुकाबले का हल निकाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
अलीगढ़ में मैक्स पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को स्थानीय CSEO जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। खैर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लोग सत्संग से लौट रहे थे। आज एक एक्सीडेंट हुआ है टेंटीगांव मथुरा रोड पे और उसमें एक मैक्स पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में ये भिड़ंत हुई थी जिसमें लगभग 18 के लगभग घायल हैं हमारे और 2 कैजुअल्टी हैं। कैजुअल्टी नर्मदा देवी पत्नी पूरन सिंह तहसील खैर के भारेरी गांव की हैं और दूसरी कैजुअल्टी रामवती पत्नी श्यामवीर नावली गाँव थाना सुरीर मथुरा जनपद की हैं। हाथरस में बच्चों के विवाद को लेकर भट्टे पर काम करने वाले मजदूर और ग्रामीणों में मारपीट हुई है और इस मारपीट में 2 महिलाएं और 2 लड़कियां घायल हुई हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हाथरस थाना चंदपा क्षेत्र का ये मामला है और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। कोई जरूरत नहीं है उनकी परिवार वाले देखने की, अपना फ्रेम होना चाहिए। तुम ऊपर ले जा रहे हो ऊपर। एटा में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खा लिया है। आनन फानन में दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जब लड़की ने दम तोड़ दिया वहीं लड़के का इलाज जारी है। आत्महत्या से पहले दोनों ने सुसाइड नोट भी लिखा है। आगरा में रात के घने कोहरे में चोरों का आतंक देखा गया है चारों तरफ और साथ ही शातिरों ने उखाड़ा एटीएम। SBI बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया है। कागा रोल कस्बा स्थित SBI ब्रांच के एटीएम मशीन को उखाड़ ले गए हैं चोर। एटीएम में 30 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है कैश। थाना कागा रोल क्षेत्र कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और मोहम्मद कामिर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामिर, क्या जानकारी मिल पा रही है? सर्दी बढ़ रही है, चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात को चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो सुन रहा है हड़कंप मचा हुआ है। रात के घने कोहरे में चोर एटीएम के अंदर से एटीएम की मशीन ही चुरा कर फरार हो गए जिसमें लगभग 30 लाख रुपए थे। सुबह जैसे ही लोग सड़कों पर निकले उन्होंने एटीएम के अंदर से मशीन को गायब देखा। सूचना पुलिस अधिकारियों को दी गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए, बैंक मैनेजर पहुंच गए और अब CCTV चेक किए जा रहे हैं। हालांकि जो बैंक के लोग हैं उनका कहना है इस एटीएम मशीन के अंदर लगभग 30 लाख रुपए का कैश रखा हुआ था। हालांकि ये एटीएम जो मशीन है वो SBI बैंक की है और काफी समय से इसी जगह पर लगी हुई थी, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और CCTV कैमरे चेक कर रही है। कहना है जल्द से जल्द जो चोर है उनको गिरफ्तार करके एटीएम मशीन बरामद की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रामलला विराजमान की खुशी जो है वो ना सिर्फ भारत में है बल्कि पश्चिमी देशों में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न है। लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम तैयारियां भी कर रही हैं। तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही पेरिस में भी होने वाला है। पेरिस में भी 21 जनवरी को दोपहर 12 बजे राम रथ यात्रा निकालने की तैयारी है। कार्यक्रम में करीब 1000 राम भक्तों के जुटने की संभावना बताई जा रही है। तो देखिए विदेशों में भी प्राण प्रतिष्ठा की खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। सीएम योगी कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बताते चले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले ये देखा जा रहा है कि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हालांकि अब तैयारियां क्या क्या हो चुकी हैं क्योंकि तैयारियां भी अपने अंतिम रूप पर हैं, लेकिन उसकी समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाएंगे।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने राम जन्मभूमि के आंदोलनकारी कार सेवकों का सम्मान किया है। स्वामी नारायण मंदिर पर इन लोगों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि वास्तव में कार सेवक ही इस राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की लड़ाई भी हमें लड़नी होगी क्योंकि मुगल हमलावरों ने यहाँ पर वही काम किया है। पूरे देश में इस समय हर ओर सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा है। आपको बताते चले, बात आगरा की करें तो यहाँ पर लकड़ी के राम मंदिर जो है वो तैयार किए गए हैं। लेजर मशीन से राम मंदिर के लिए प्लाईबोर्ड की कटिंग के बाद आकर्षक राम मंदिर जो है वो बनाया गया है। इन मंदिरों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही मतलब के बाद इस राम मंदिर का उद्घाटन करने की 22 जनवरी को कर रहे हैं तो उसी के बाद हमने धीरे 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 इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू किया। जिस तरह कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हर घर में राम हो, बिल्कुल हर घर में राम हो, हर घर में राम प्राइस कर रखा है सर। इसका प्राइस हमारे यहाँ 125 रुपए से लेके 2500 तक का है। 125 से 2500 हमारे पास करीब इसमें 6 से 7 तरह के मॉडल। डिमांड की बात की जाए, डिमांड सर इस टाइम राम मंदिर की इतनी है कि मैं इसका काम पूरा कर ही नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल। बरेली में शराब पीने के दौरान तो दोस्तों विवाद हो गए। विवाद में एक दोस्त ने दूसरे के सर पर बोतल से हमला कर दिया है। पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामला किला थाना क्षेत्र के बजरिया मोती लाल मोहल्ले का है। आगरा में पति ने पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि उसे बेटी चाहिए थी और इसके बाद मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा जहां पर काउंसलर ने दोनों को समझाया लेकिन पत्नी और पति दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। जब बात नहीं बनी तो थाना शहगंज को मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। दरअसल इस दंपत्ति के 3 बेटे हैं मगर पति की मांग है कि उसे बेटी भी चाहिए। प्रयागराज में अतीक अशरफ मर्डर केस के आरोपियों की DJ कोर्ट में वर्चुअल पेशी होगी। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। आज कोर्ट शूटर्स लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, सनी सिंह पर आरोप तय कर सकती है। तीनों शूटर्स इस समय चित्रकूट जेल में बंद हैं और 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चित्रकूट जेल में ये तीनों शूटर्स बंद है और आज कोर्ट में पेशी होगी और बताया जा रहा है कि आज आरोप तय हो जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेशी होगी इन तीनों शूटर्स की। आगरा में मोबाइल रिपेयर करते समय अचानक फट गया है। घटना पिनहट थाना इलाके की है। दुकान में एक शख्स मोबाइल रिपेयर कर रहा था तभी अचानक मोबाइल की बैटरी फट गई और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से आग की लपटें निकलने लगी और हादसे में लोग बाल बाल बच गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मोबाइल को ठीक करते समय रिपेयर करते समय ये ब्लास्ट हो गया। हालांकि इस दौरान बाल बाल बचे हैं जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो दुकानदार वहां पर मौजूद था। इस तरीके से धमाके के साथ ये आग लगी। जब मोबाइल को रिपेयर किया जा रहा था उसी दौरान ही ये धमाका हुआ। तो बाल बाल ये युवक बचा है क्योंकि मोबाइल को रिपेयर करते समय ये धमाके के साथ आग लगी। गाजियाबाद सड़क हादसे में 2 सिपाहियों की मौत हुई है। एक दिल्ली पुलिस तो दूसरा यूपी पुलिस का सिपाही है जय ओम प्रकाश, दिल्ली पुलिस का सिपाही है जयवीर सिंह राघव गाजियाबाद पुलिस लाइन में तैनात है। दोनों की तैनाती बिल्डर की सुरक्षा में थी। इंदिरापुरम के वसुंधरा फ्लाईओवर पर देर रात दुर्घटना हुई है और इनोवा कार डिवाइडर से टकराई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो 2 सिपाही के हादसे में मौत हो गई है और सड़क हादसे में 2 सिपाहियों की मौत हुई है। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़।